सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ जय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैवल सीरीज है और ये इसका पहला एपिसोड है। तो शुरू करते हैं। तो ये रोड ट्रिप मेरे और मेरे फ्रेंड्स और हम सब के फैमिलीज के साथ था और हमारा पहला लोकेशन था मंचगुणी। तो मंचगुणी में काफ़ी पुराना टेंपल है, आप में से कई लोग इसे जानते होंगे। यहाँ पे हर साल एक जात्रा मनाया जाता है और वो काफ़ी फेमस भी है। तो हमारा पहला लोकेशन जो कि था मंचगुणी, उसे देखने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हमने पहले से ही इडली सांभर ऑर्डर करके रखा था। तो हमारा ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब वक्त था सेकेंड लोकेशन की तरफ जाने और हमारा सेकेंड लोकेशन था याना केव्स। तो फाइनली हम अपने सेकेंड लोकेशन याना केव्स के तरफ आ चुके थे और जिन लोगों को याना केव्स के बारे में नहीं पता है, ये काफ़ी अमेजिंग प्लेस है बट ये काफ़ी अंडररेटेड है। अगर आप मुर्डेश्वर की रोड ट्रिप कर रहे हो तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट करिएगा क्योंकि ये काफ़ी अमेजिंग है। तो याना केव्स की तरफ जाने का रास्ता जंगल से गुजरता है और यहाँ से जाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो याना केव्स के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी ऊपर है तो वहाँ तक आपको सीढ़ियों से जाना पड़ता है, उसके बाद में आप केव्स पे एंटर कर सकते हो। तो केव्स के अंदर काफ़ी एक पॉजिटिव सी फील है, जब आप यहाँ पे आओगे तभी आपको पता चलेगा। तो केव्स के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी आसान था बट बाहर आने का रास्ता काफ़ी लंबा था। तो जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो ज़रूर अपने साथ एक वाटर बॉटल लाना मत भूलिए। तो यहाँ पे हमारा याना केव्स की जर्नी खत्म हो चुका है और हम निकल गए अपने तीसरे लोकेशन की तरफ जो कि है विभूति फॉल्स। तो ये भी याना केव्स की तरह एक काफी अंडररेटेड प्लेस है बट जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको काफी मजा आने वाला है। तो फॉल्स तक पहुंचने के लिए आपको जंगल में काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको स्विम करने का परमिशन नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं और उसमें हम भी थे। तो
फॉल्स में एंजॉय करने के बाद हम निकल गए अपने फोर्थ लोकेशन की तरफ। और हमारा फोर्थ लोकेशन था मिर्जानपुर। तो मिर्जान फोर्ट काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे हमने बहुत सारे हाइपर लैब्स और फेक ड्रोन शॉट भी शूट करना ट्राई किया। तो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा फोर्ट है, मेरा अल्ट्रा वाइड एंगल में भी कैप्चर नहीं हो रहा। तो इस शॉट के लिए मैंने अपने ट्राइपॉड को ऊपर की तरफ माउंट करके फिर से नीचे चला गया और ऊपर आने का एक्टिंग किया। तो फोर्ट के ऊपर की तरफ से सिटी का नजारा काफी अमेजिंग था। तो हमने मिर्जान फोर्ट भी एक्सप्लोर कर लिया, अब वक्त था फोर्थ लोकेशन की और हमारा फोर्थ लोकेशन था अप्सरकोंडा गार्डन। तो ये गार्डन आपको फोटोशूट करने के लिए काफी अमेजिंग प्लेस है। अप्सरकोंडा गार्डन पे थोड़ा वक्त बिताने के बाद हम निकल गए हमारा फाइनल लोकेशन की तरफ, वो है मुर्डेश्वर। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें फाइनली रूम रेंट पे मिल चुका है शक्तिशाह पैराडाइज में। तो जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाते हो तो आपको भी पता है रूम में क्या होता है। तो रूम में फ्रेश अप होने के बाद हम निकल गए टेंपल का नाइट व्यू देखने। तो ऊपर से टेंपल का व्यू काफी अमेजिंग है, जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो फाइनली हमारा डिनर का वक्त हो चुका था और हम चले गए होटल इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे हमारा रोड ट्रिप टू मुर्डेश्वर का एपिसोड 1 खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और हाँ, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।